गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 24 मई, सुबह के बज रहे हैं 4:30। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आज मॉर्निंग में मोहंड गेट से यानी कि चिला वाली जोन राजा जी नेशनल पार्क की सफारी करने जाऊंगा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मुझे एलिफेंट दिखाई दिया, 2 लेपर्ड दिखाई दिए, और आज देखते हैं अर्ली मॉर्निंग सफारी कैसी रहती है, क्या क्या दिखाई देगा। सो हल्की हल्की सी बारिश भी आ चुकी है, लेकिन नो वरीज, मैंने वेदर चेक कर लिया था, मोहन की तरफ बारिश नहीं है, और यहाँ भी एक एक दो दो बूंदे ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और भाई 4:30 बजे उठ के लोग सस्ताधारा रोड पर लोग घूमना चालू कर देते हैं, तिब्बती लोग, क्योंकि यहाँ पर तिब्बती कॉलोनी है तो ज़्यादातर ये तिब्बती लोग ही घूमते हैं, तो ये बहुत शौकीन होते हैं घूमने के। सो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। बाकी अपना तो भाई गेटअप यही है, एज ऑलवेज फॉरेस्ट वाला गेटअप है, अपना चटक पटक रंग नहीं पहनते हैं क्योंकि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में थोड़ा सा इस तरह के ग्रीन कलर जो कंबाइन हो जाए फॉरेस्ट से, वो मैं हमेशा पहनता हूँ, कैप हमेशा पहनता हूँ। सो जिनके साथ मैं सफारी करूँगा वो हेमंग शर्मा भाई हैं, और वो पायलट हैं इंडिगो फ्लाइट्स में, और उनके भाई अपने हेलीकॉप्टर भी हैं यहाँ पे सस्ताधारा पे, जहाँ पे जो केदारनाथ वगैरह चारधाम की यात्राएं भी करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, कभी मौका मिलेगा तो उनके हेलीकॉप्टर में यात्रा करेंगे चारधाम की देहरादून से ही। तो वो यहाँ पे ISBT पे पोर्टिको प्रीमायर होटल में रुके हुए हैं, क्योंकि यही सबसे बेस्ट होटल है यहाँ पे, जो मतलब मोहन की सफारी के आसपास। हालांकि जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम हो सकता है कि 15 जून के आसपास ये ब्लॉग आ रहा हो और सफारी ऑलमोस्ट एंड हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे सफारी ऑलमोस्ट बंद हो गई हो। 15 जून से 15 नवंबर तक राजा जी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट टोटली क्लोज रहता है मानसून की वजह से। सो दोस्तों पहुँच चुका हूँ देहरादून के सरोवर प्रीमायर होटल में, काफ़ी अच्छा होटल है भाई, और वहाँ पर अपना हेमंग भाई वेट कर रहे हैं, एंडेवर में चलते हैं। तो ठीक है भाई, मैं हेमंग भाई के साथ इनकी कार में आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग हेमंग भाई। गुड मॉर्निंग सुभाष भाई। बस, और भाई अमायरा नहीं आई है, बस हेमंग भाई का बड़ा मन था, मैंने बोला चलो पूरी कर ले, ज्यादा बेटर नहीं तो बच्चे पे नहीं, बढ़िया नींद पूरी होनी चाहिए। मन तो बहुत था, अच्छा कल की सफारी बहुत जो है करी, अपनी मम्मी को आके बताया होगा बहुत कुछ चीजें, है ना, बहुत बताई, बल्कि 2-4 लोगों और फोन करके बताया। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह, मेरे ब्रदर को जिसको मैंने बताया था ना, वो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ का, उसको ना जैसे उसने बताया कि मैंने 2 लेपर्ड देखे, हाँ, तो उसको और वो हो गया। अच्छा, कैसे कैसे दिखे, और जब उन्होंने वो वीडियो देखा आया नहीं है, हाँ, हाँ, तो उसको भी नहीं आइडिया था। अच्छा, तो जैसे उसको पता चला उसने बोला यार ये तो आप लोग बड़े लकी निकले फिर वो सब। अरे, और जब उन्होंने बोला अपने चाचू को बहुत उसने चलाया, अरे वाह, वो जो आपके ब्रदर है फोटोग्राफर, उन्होंने बल्कि वो शॉट देखा होगा लेपर्ड का कि कौन सा है वो, तो और कह रहे होंगे तो बहुत औसम था, बहुत ही औसम था वो। तो ऐसा है अगर कोई फोटोग्राफर खींच ले ना, तो अपने घर में ड्राइंग रूम में लगा ले या कहीं भी, वो बेस्ट। उसमें मेरे को उसके वो जो मैंने फोटो खींची थी मोबाइल की फोटो में और DSLR की फोटो में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। उसने मेरी फोटो देखी बोला कि अगर यही फोटो कैमरे में ली होती। चलो बढ़िया है भाई, और अभी देखना मॉर्निंग में क्या जंगल लगेगा जब धूप आएगी ना, अगर मौसम मॉर्निंग की तो बात ही अलग होती है। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा चेंज है, अभी मैं घर से चला तो कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। अच्छा। मैंने रात को गूगल वेदर में देखा तो हम बस ऊपर की तरफ बूंदाबांदी, इधर नहीं है मोहन में इतनी। अच्छा। बारिश। हाँ। तो इसलिए वैसे तो उनके पास जिप्सी में कवर रहता है कि अगर कुछ होगा तो कर देते हैं। अरे मैंने तो मतलब प्रॉपर बारिश में सफारियां करी। अच्छा, प्रॉपर भीगते हुए। अरे खतरनाक, रेनकोट लेके गए थे। अच्छा, वो कहाँ की बात थी? यह रणथंभौर की बात थी। अरे, लास्ट ईयर की। और ऐसा हुआ था कि उस टाइम कोई साइक्लोन आया था। अच्छा, तो इस साइड से आया था। हाँ, वो इसकी तरफ से आया था ना, अहमदाबाद के। हाँ, वो काफी नाम, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, बहुत उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। तो वो उसको जब वो जब और अंदर डीप आ गया था तो वो पाकिस्तान के ऊपर, फिर उसी टाइम मेरा भी ट्रिप बना था। अच्छा, अच्छा। उस टाइम जंगल में सारी सफारियां लोगों ने कैंसिल कर दी थी, तगड़ी बारिश और मेरा जो नेचुरलिस्ट है ना वो, हाँ, तो अपना पंकज, हाँ, वो बहुत ही बड़ी आदमी है, तो उसने बोला देखो सर ये मौका है, अगर आपको चलना हो तो हम चल सकते हैं, बट ये है कि हाँ अलग एक्सपीरियंस होगा, बट साइटिंग वाइटिंग तो कुछ होने का मन, मतलब साइटिंग वाइटिंग का तो कुछ गारंटी नहीं है, बट क्योंकि बारिश में कम होती है, आनंद लो और अनकम्फर्टेबल भी रहेगा बट एडवेंचर हो जाएगा। तो मैं बोला भाई बिल्कुल चलेंगे। तो मैं अकेला गया था, हालांकि मेरे फैमिली मतलब मेरी मदर, मेरे वाइफ और मायरा और मेरा ब्रदर भी थे। अच्छा। सबने बोला यार हम तो नहीं जाएंगे। मैं पेड़ वेड़ लिटरली आप पेड़ वेड़ जंगल में टूटे पड़े थे, सिर्फ 2 जिप्सी गई थी, वो जोन 4 ही था। अच्छा। 2 जिप्सियां गई थी सिर्फ, हाँ। वो
बेचारे सारे मिलके वो पेड़ हटा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, ओ इतना खतरनाक हो गया। हम जब जंगल में गए और कमाल की बात देखो, हमें उस दिन भी साइटिंग हुई। अरे वाह, अरे वाह। साइटिंग में आपको आज उसमें दिखाऊंगा वीडियो में। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह। मोबाइल में होगी आपकी? मोबाइल में। बारिश हो रही है, टाइगर बैठा हुआ है। अच्छा, उसको सांबर को स्टॉक कर रहा है। अरे वाह। तो वो भी मेरी यादगार साइटिंग है। कल वाली जो साइटिंग मैंने आपको बताई थी वो अलग थी, लेकिन अलग थी ये तो है, क्योंकि सबने कैंसिल कर दिया था। वो एक नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था वो अंग्रेज, दो महीने के लिए वहीं पे रुका था, वो भी था, उसने भी कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, हालांकि उनकी जिप्सी तो कवर्ड ओवर्ड होती है। वो तो है। हम ये तो है। अभी मेरे जिनके साथ में आजकल वो रोड रनर टाइगर है, जयपुर में रहते हैं यूट्यूबर, जिनके साथ एक दो बार मैंने कोलैबोरेशन में वीडियो बनाई है। अच्छा। तो पीलीभीत गए थे अभी एक हफ्ता पहले। इतनी जबरदस्त बारिश हुई है और बिजली कड़क रही थी और बिजली गिर रही थी आसपास, और उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। एक छप्पर के बीच में जंगल में होता है ना, तो उसमें रुके थे वो। अच्छा। और खड़े रहे और 3-4 घंटा लगातार, और सोचो क्या मंजर होता है, ना कहीं बच सकते। खतरनाक बारिश थी वो पीलीभीत में भी। हालांकि थोड़ा वो रहता है बारिश में, ठीक है, बट अगर स्टॉर्म आ रहा होता है ना तो जंगल जाना सही नहीं रहता। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि पेड़ वेड़ गिर जाए, कुछ हो जाए, तो रिस्की भी रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, वो साइक्लोन आके निकल चुका था, वो तो हो रही थी, लेकिन वो स्टॉर्म ही नहीं था। अरे अच्छा, स्टॉर्म फिर तो ठीक है, स्टॉर्म निकल चुका है, बारिश लेफ्ट ओवर बारिश नहीं रह जाती। हाँ, समझ गया। अगर स्टॉर्म आ जाए फिर दिक्कत रहती है, वो पेड़ वेड़ रहते हैं ना, सब टूट जाएंगे। तो भाई ऑलमोस्ट देखो, हमने देहरादून से निकल गए हैं और अभी शिवालिक का जंगल है, राजाजी नेशनल पार्क ही है ऑलमोस्ट लेफ्ट और राइट में। और बस अब यहाँ से जो कार का नेविगेशन है वो 14 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि 22 मिनट, लेकिन फिर भी हम 15 मिनट में शायद पहुँच जाएंगे। भाई देखो कितना प्यारा जंगल लग रहा है मॉर्निंग का। वाह, अभी हम इसके अंदर ही चले जाएंगे जंगल में, पूरा 16-17 किलोमीटर मचान तक घूम के आएंगे। मतलब कितनी जल्दी गर्मियों में कितना जल्दी दिन निकल जाता है, 5:15 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर मौसम साफ रहा बहुत जल्दी सूरज भी आ जाएंगे, धूप निकल जाएगी। अच्छा मिल रहा नहीं। हाँ, और भाई एग्जैक्ट 5:24 पे हम पहुंच चुके हैं मोहंड। इधर ही खड़ी कर लो, इस तरफ ही। सो पहुंच चुके हैं भाई मोहंड गेट पे, जहाँ से चिलावानी चोल की सफारी करेंगे। और देखो ये इसने पपी दिया हुआ है भाई, कितनी कमजोर हो रही है भाई, ये देखो कितनी कमजोर है। चलो भाई उस्मान जी रेडी हैं यहाँ पे, चलो चलते हैं। सो दोस्तों अभी हम वेट कर रहे हैं गेट खुलने का, और जब तक आपको ये रूल रेगुलेशन पढ़ लीजिए आप पोस्ट करके। ये जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन है यहाँ के, वो हिंदी में उस तरफ लिखे हुए हैं, और एक बोर्ड यहाँ पे भी लगा हुआ है, टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है। ये दोस्तों अच्छा खासा दिन निकल चुका है, और हम ये देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस जो बन रहा है इसके नीचे से जा रहे हैं। मुश्किल से 100-200 मीटर चलने के बाद एक छोटा सा गेट और आता है, यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो वाटरफॉल चला जाता है, फिर घूम के मेन रोड पर आ जाता है। बेसिकली यही रोड है जो सीधी नाक की सीध में जाती है, इससे ही लेफ्ट में को जाते हैं, इससे ही राइट में को वाटरफॉल पर जाते हैं। अभी हमसे पहले सिर्फ एक ही सब जीप है जो तेज़ी से चली गई है। सबसे पहले भाई लेफ्ट में चलते हैं वाटरफॉल पे, हो सकता है यहाँ पे डियर्स खड़े हैं ना, बहुत सारे एलिफेंट है क्या, नहीं होगा है, मुश्किल लग रहा है। चलो तो फिर वापिस ही ले लेते हैं, वो अगले वाले वाटरफॉल पे गई है। कितना प्यारा लग रहा है जंगल, अनटच है ना, इतने सारे हिरन है अभी, एक्चुअली अनटच है ना जंगल। सबसे पहली जीप हमारी है, तो सब रोड पे ही आए हुए हैं। वो जो हमसे पहले जीप थी वो इधर गई है, अब हमारी जीप है सबसे पहले। अरे वाह, ये देखो ग्रेट हॉर्नबिल, अरे वाह, ये साइटिंग देखो, ये थी वो, ये मदर है जो मैंने बताया था कि नेस्ट बनाया हुआ है। ऐसी साइटिंग भी बहुत कम मिलती है। देखो खाना खिला रही है अपने बच्चों को, देखो किस तरह से चोंच में इसने। अच्छा ये मेल है और फीमेल को खिला रहा है ना, ताकि वो बच्चे देगी अंदर, है ना। अभी तो बच्चे हुए नहीं है ना उसके, काफ़ी टाइम से बैठी है। उस्मान जी बता रहे हैं कि ये मेल है अंदर फीमेल को, वो बाहर नहीं निकलती ना, वो अंदर ही रहती है, 2 महीने से बैठी हुई है। वाओ क्या साइटिंग है भाई, सुपर।
कितना बड़ा साइज है इस हॉर्नबिल का, है ना, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, बहुत सुंदर जीव है भाई। चलो चलो चलते हैं आगे की तरफ। हमसे पहले एक जीप ने ओवरटेक कर लिया, उसको उसने इसको प्रेफरेंस नहीं दी। तो एक छोटे वाला हॉर्नबिल दिखाता हूँ आपको, इसका इसका फ्लाइंग करने का तरीका देखा, दो तीन बार पंख मारेगा फिर रुकेगा इस तरह से। ये देखो दोस्तों हॉर्नबिल बोल रहे हैं, हाँ वो बैठा है, वो ऊपर ऊपर बैठा है हॉर्नबिल, वो रहा ऊपर, छोटे वाला है वो। चलो अच्छा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक रिसोर्ट है और कुछ साल से वही है, इतने लोगों ने अप्रूवल डाले हुए हैं कि नहीं बताना, लेकिन वहाँ पे क्या रहते वहाँ के रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है, वो पहले जैसे आपको रिसोर्ट बनाना है तो सबमिट करते हैं। चिला वाली रो, हाँ ये वो नहीं है, वो आगे आएगा ये सो भाई, पहली अपनी ये वाला एरिया ये चिला वाली रो है। अभी यहाँ पे एक लेपर्ड एक्टिवेट है माया नाम से, फीमेल लेपर्ड। सो दोस्तों एक बार इधर भी देख लेते हैं, पर ये तो जीप होके आ गई है, कुछ नहीं मिला इनको, ले लो इनसे पहले ही ले लो। ये जीप बहुत तेज है भाई, ये हॉर्नबिल के लिए भी नहीं रुकी, इसमें दो छोटे बच्चे हैं, कल भी आए थे पूरा ड्रेसअप होके जंगल थीम में, तो हम इस तरफ नहीं गए, हमने देख लिया कि इनको कुछ नहीं मिला। सामने रोड से क्या गया है, बंदर गया है, अच्छा हिरन था, हाँ हिरन है। इधर जाना चाहिए राइट में, देख के आए, चलो भाई राइट में देख के आते हैं एक बार। ये देखो यहाँ भी कितने सारे हिरन हैं, चलो इस तरफ चलते हैं भाई एक बार। पर इधर भी जो सफारी जो जीप आगे जाएगी वो ठीक है, पीछे वाली को तो धूल लगती है, जो पीछे वाली जीप थी वो सीधा चली गई है, बस अब हम इधर अकेले जा रहे हैं। ये वो जो पेड़ है ना बरगद का, उस पर बैठी रहती है बहुत बार, ये जो पेड़ है ना ये काफ़ी फेमस बरगद का पेड़ है दोस्तों, इसकी ब्रांचेस पे काफ़ी अच्छा वो बना हुआ है रेस्ट करने का लेपर्ड का, तो यहाँ बैठी रहती हैं काफ़ी बार। हाँ इधर तो लग रहा है, महसूस हो रहा है, डियर्स खड़े हैं, पानी पी रहे हैं बहुत सारे डियर्स। इतना बड़ा वो क्या था, ये उल्लू था, आउल है क्या चीज़ है, सरपेंडिकल। भाई ये वाला एरिया भी कितना प्यारा लगती है, कितनी प्यारी लगती है ये लेक, जो ये सफ़ेद सूखे पेड़ खड़े हैं ना ये एकदम से हॉरिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। बहुत मेंढक है इस पॉन्ड में, कल तो टर टर कर रहे थे। ये तो मेन चीज़ होती है जो मतलब पूरा इको सपोर्ट करती है, नील गाय। सो उस्मान जी बता रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़े जो लेपर्ड हैं वो एक सिद्धू है और एक अंधेरी मेल है, सो देखो अगर उनकी साइटिंग हुई तो जरूर दिखाएंगे, वो तो बिल्कुल डरते भी नहीं होंगे। अंधेरी मेल तो थोड़ा है। अच्छा अंधेरी मेल तो थोड़ा साई भी है पर वो सिद्धू नहीं डरता बिल्कुल भी। वो अंधेरी चौकी जहाँ पे वो बहुत बड़ा कल वो चौकी बनी हुई है, इधर आदमी बैठा था, इधर फ्रेंड्स दिख गए हैं यहाँ पर राइट में। अब जो हमसे पहले जीप गई है उसने शायद डिस्टर्ब कर दिया इनको, यहाँ से दिख नहीं पा रहे, देखो जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये रहा ये रहा। इससे अच्छा ना दिखाई दे मुझे, यही साइटिंग बहुत गंदी लगती है, कमर और पूंछ दिखना। धीरे धीरे भाई दिन निकल रहा है, ओए वाइल्ड बोर है वो, तो रुकना एक बार, वो देखो दोस्तों वो देखो वाइल्ड बोर, और इस टाइम हिरन भी काफ़ी भाग रहे हैं, इवनिंग से ज़्यादा जानवर दिख रहे हैं, अभी मोर बोल रहा है उधर, और ये बच्चे वाली का इलाका है, छोटे छोटे बच्चे दिख जाते हैं लेपर्ड के यहाँ पे। उसका कुछ नाम रखा हुआ है उस मादा का जो बच्चों के साथ है, माला। टटेरी के बच्चे दिखाता हूँ छोटे छोटे से, बस रोक लो, ये देखो भाई कितने छोटे से हैं, क्यूट से, ये देखो बहुत कम देखने को मिलता है भाई ऐसे, रूई से ऐसे हैं बिल्कुल, है ना। एक इधर भटक गया, ये अकेला भटक गया इधर, कितने सारे होंगे ये, एक दो तीन चार है ना, देखो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, ले जा रही है अंदर की तरफ,
इनको तो खतरा रहता होगा बाज वगैरह से, है ना। तो लड़ाई कर रहे हैं, कल भी दिखाया था मैंने यहाँ पे, ये कल से लड़ाई कर रहे हैं क्या अब तक? देखो जब ये लड़ाई करते हैं ना, इनके गर्दन के पास किस तरह से ये बाल फैल जाते हैं, ये देखो रेड फॉल बोलते हैं इनको, जंगली मुर्गे। वो भाग्य भाग्य भाग्य, एक बहुत बड़ा सांभर खड़ा है सामने। एक बार क्या हुआ मुझे अभी भी याद है, सर्दियों की सफारी थी मोहन की, सबसे पहली सफारी, तो ऐसे ही सांभर खड़ा था जैसे ही खड़ा है वो। उसने क्या कॉल की हमें देख के ना, और उसके मुंह से जो भाप निकली सर्दियों में, और ऐसी कॉल करी और भाग गया। मुझे आज तक याद है, बहुत गजब का सीन था, क्योंकि पहली बार मैंने इस तरह से सांभर की कॉल सुनी थी। हाँ जीप को देख के करते थे ये, हाँ जीप को देख के तो करते हैं ना ये, सांभर भी काफ़ी बार कॉल है, बहुत कम करते हैं, पर उसने करी थी हमें देख के। ये देखो डव बैठी है यहाँ पे, इस रोड पर बैठी रहती है। ये अंधेरी चौकी आ गई, यहाँ पर रहता है वो अंधेरी मेल, जो सबसे बड़ा बोल्ड लेपर्ड है। अंधेरी वाला तो थोड़ा सा है, वो सिद्धू है जो सबसे ज़्यादा बोल्ड है। इधर कुछ नहीं है भाई, इधर तो डियर खड़े हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। भाई पहुँच गए बांजरो, ज़्यादातर जिप्सी यहीं पे खड़ी रहती हैं, और यहाँ पे ही हैं सारे लेपर्ड जितने भी हैं आपके। आज सबसे ज़्यादा बम्पर साइटिंग यहीं पे होती है। यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल ध्यान से देखो कुछ ना कुछ दिख सकता है, और पेड़ पे जो बैठा था वो वहाँ था वो वाला। और अभी तो सांभर आए हुए हैं तीन चार, दिखाता हूँ। ये निकल गई निकल गई निकल गई, ये देखो सांभर डियर कितने अलर्ट हैं। ये मेन टेरिटरी में खड़े हैं लेपर्ड की, हीरा पन्ना और लैला की। किंगफिशर तीन तीन बैठी है भाई, ये देखो तीन तीन किंगफिशर। कॉल आई, कॉलिंग शुरू हो गई यहाँ से, पीछे आ रही है। कहाँ पे? हाँ पीछे कॉलिंग शुरू है हो रही है। हम तो यूटर्न ले रहे हैं, पक्का लेपर दिखेगा, पक्का 100% लेपर दिखेगा। यहाँ से कॉल आ रही थी इसलिए हम रुके यहाँ पे। मुझे हाथी की लग रही है, सांबर है ना, सांबर की बोला ना। अंदर है इसके, ये लगता है क्रॉस कर सकता है दो सीट में। कल हमें जो लेपर्ड की साइटिंग हुई थी इस पेड़ पे हुई थी सामने, है ना इस वाले पे। वाओ क्या साइटिंग थी भाई, हमेशा याद रहेगी पूरी लाइफ। भाई सारे बंदर ऊपर चढ़ गए कॉल होते ही। ये नहीं ठीक है, ये पीछे कॉलिंग हो रही है जबरदस्त। अभी हमने यू टर्न ले लिया है, वो भाग गए।
अभी हम इस विशालकाय बरगद के पेड़ के पास खड़े हैं। यहाँ पे कुछ बंदर और उसके बच्चे, अरे छोटा सा ही बंदर। भाई छोटा सा हिरन का बच्चा, ये देखो ये देखो। अच्छा बार्किंग डियर का बच्चा, अरे वाह रे वाह रे वाह भाई, बार्किंग डियर का छोटा सा बच्चा देखो। ओह ओह, इसको तो खा जाएगा भाई लेपर्ड। इसको तो बेचारे को पता भी नहीं जाना कहाँ है, हैं ना माँ है इसकी यहाँ पे। इसको तो मार देगा भाई लेपर्ड कभी भी। हाँ भाई, सूरज देवता भी निकल गए हैं क्योंकि आज थोड़ा सा ओवरकास्ट है, तो इस वजह से चुभती हुई धूप नहीं निकली अभी, पर सब इधर ही खड़े हैं बंजराओं में क्योंकि कल हमें इस पेड़ पे साइटिंग हुई थी, तो यहीं पे आसपास काफ़ी लेपर्ड हैं। भाई हॉर्नबिल की फ्लाइट देखो, वापस अंधेरी वाटरफॉल पे आ गए हैं। आई होप यहाँ पे कुछ दिख जाए। अरे वाह, कहाँ बैठा है, बोरा 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 बोरा। वाह।